हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए आप। आज हम क्या पढ़ेंगे? लखनऊ पैक्ट 1916। लखनऊ समझौता क्या था जो 1916 में हुआ? देखिए, इस एक्ट को बहुत सारे लोगों ने, किताबों ने, बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन इसकी जो हिडन सच्चाई है वो किसी ने नहीं बताई। सबने पढ़ा दिया कि नरम दल और गरम दल आकर के मिल गए, और किसी ने पढ़ा दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग आकर के मिल गई। आप सोचिए, जो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक गई थी 1906 में स्थापना, इसके बाद इतना बड़ा विद्रोह हुआ 1909 में, हमने क्या देखा? हमने 1906 में देखा कि मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद 1909 में जो मार्लियामेंटो सुधार आया था, उसमें उन्होंने अलग से सांप्रदायिकता की मांग की, मतलब अलग से उनको अधिकार चाहिए इसकी मांग की, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकदम विरुद्ध थी। मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकदम विरुद्ध थी, मतलब एकदम कट्टर दुश्मन थी, कि कांग्रेस कोई भी बात बोलती थी मुस्लिम लीग नहीं मानती थी, उसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध करती थी, और अंग्रेजों की एकदम क्या थी, शुक्रगुजार थी। भाई भागते भागते कहाँ पहुँच गई थी? हिमाचल प्रदेश पहुँच गई थी, शिमला पहुँच गई थी, शिमला पहुंच गई थी ना, लॉर्ड मिंटो से मिल ले, समझ पढ़ाया था ना मैंने आपको। तो आप समझिए कि ब्रिटेन की इतनी बड़ी शुक्रगुजार मुस्लिम लीग, और कांग्रेस की इतनी बड़ी दुश्मन मुस्लिम लीग, 1916 में मिल गई। कैसे मिल गई? चलो, एक तो बात ये हो गई, एक तो पैक्ट ये हो गया। दूसरी बात, कांग्रेस जो दो भागों में बटा था सूरत अधिवेशन 1907 में, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल के बीच में कितना टकराव हुआ, बेतहाशा टकराव हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हमने आपको पढ़ाया कि गरम दल के जो नेता थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष, उनकी एक भी बातें नहीं मानती थी, एक भी बात नहीं मानती थी, हर चीज़ को मतलब इतना दुत्कारती थी, उन्होंने जो भी मांग की थी वो नहीं मानती थी। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कौन सी बीच में घटनाएं घटी 1907 से लगा करके 1916 में, जब ये आ करके मिले, इन 9 सालों में कौन सी ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण इधर से गरम दल और इधर से मुस्लिम लीग आ करके मिल गए, और ये तीनों जब मिल गए तो वो लखनऊ पैक्ट बना 1916। सारे टीचर्स यही पढ़ा देते हैं, सारी किताबें यही बता देती हैं कि आकर के मिल गए, लेकिन क्यों मिले इसका कारण आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारे फ्रेंड्स हैं, आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको इसके कारण का पता होना चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं अब अपना लेक्चर। देखिए, हम इनके कारणों पर चर्चा करेंगे, आखिर ये मिल क्यों गए। अगर हम बात करें 1913 की, तो 1913 में इधर मुस्लिम लीग में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एंट्री हो गई थी, और इधर 1913 और 14 के ही बीच में हमें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी देखने को मिलती है। प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से लगा करके 1918 तक चला, ठीक है, जून 1914 से लगा करके जून कह रहे हैं 1918 तक ये चला था, मतलब ये जो काल था ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था, प्रथम विश्व युद्ध का काल था। और जैसा कि आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था वो दो खेमों में हो रहा था। अच्छा, देखिए, इसके कुछ ना कुछ जड़ें जो हैं वो बालकन युद्ध से भी जुड़ी है, लेकिन आपको बालकन युद्ध के बारे में पता नहीं होगा, ना ही खाड़ी युद्ध के बारे में पता होगा, तो जो चीज़ पता है मैं वहीं से ही उठा रहा हूँ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 तक हुआ वो दो खेमों के बीच में हो रहा था, एक जो कि बड़ा खेमा था, है ना, एक भाई बड़ा खेमा था जिसमें बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े धाकड़ी थे, और एक छोटा खेमा था जिसमें छोटे छोटे धाकड़ी थे। हर चीज़ को इत्मीनान से पढ़िए, ठीक, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ आपको एकदम हलवा बना दूंगा, हिस्ट्री तो आपको एकदम हलवा लगेगी, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। तो बड़ा खेमा और छोटा खेमा, बड़े खेमे में अगर हम बात करें तो बड़े खेमे में जैसे कि ब्रिटेन हो गए, ठीक है, ब्रिटेन हो गए, ब्रिटेन के बाद अगर हम जितने भी ब्रिटेन के उपनिवेश थे वो मोस्टली इससे जुड़े हुए थे, रूस हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया,
ये जुड़े हुए थे ब्रिटेन से। और जो छोटा खेमा था हमारा बेचारा, उसमें जैसे कि इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, देखिए ऑस्ट्रिया हमने कहा, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रिया हो गया। इसके बाद हाँ जर्मनी हो गया। जर्मनी के बाद कुछ दिनों के बाद तुर्की की भी इसमें एंट्री हो जाती है, जो कि अरब देश का एक, मतलब अरब का एक देश है तुर्की, फारस, इनकी भी एंट्री हो जाती है। इनके भी छोटे छोटे राज्यों की एंट्री हो जाती है, शहरों या मतलब स्थानों की एंट्री होती है। तो यहाँ से दो खेमे थे, ब्रिटेन, रूस, जापान, यूएसए, ये अपने तलवार भाले तोप लेकर के लड़ रहे थे एक साथ। और दूसरा खेमा जो था वो इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की सरीखे कुछ फारस और अरब के कंट्री थी, ये अपना तोप गोला और सब कुछ लड़े, मतलब लिए लड़ रहे थे, ये एक तरफ से ये एक तरफ थे। अब जब ब्रिटेन ब्रिटेन लड़ रहा है प्रथम विश्व युद्ध में, तो ब्रिटेन के जितने उपनिवेश हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमारे तरफ से हमारे जितने भी उपनिवेश हैं वो भी क्या है, हमारी तरफ शामिल हैं। तो इसी में भारत भी क्या था, एक उपनिवेश था, किसका, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन ने सोचा कि भारत भी मेरी तरफ से है, अन्य देश भी यही सोचेंगे कि भारत भी मैं उनकी तरफ से लड़ रहा है, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो यहाँ से देखिए थोड़ी सी स्टोरी लेती है ट्विस्ट। स्टोरी क्या ट्विस्ट लेती है, जब ये समय था तो कांग्रेस के दिमाग में एक बात ये आती है कि अगर हम इस समय ब्रिटेन का साथ दे देंगे, इस समय अगर हम ब्रिटेन का साथ दे देंगे तो हो सकता है कि ब्रिटेन हमको हमारा स्वशासन दे दे। वाह भाई वाह, ब्रिटेन तुमको तुम्हारा स्वशासन दे देगा। तो कांग्रेस ने इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया। चलो ये तो बात थी कि एक तरफ इसको लालच था कि हमें स्वशासन मिल जाएगा, स्वशासन मिल जाएगा, लेकिन ब्रिटेन इसके अलग रहा, उसने ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचा नहीं। अब देखिए क्या होता है, इधर जैसे ही ये समय निकलता जा रहा था, निकलता चला चला जा रहा था, तो 1914 में, 1914 में जो बाल गंगाधर तिलक थे वो मांडले जेल से 6 साल की सजा काट के निकले थे, और उधर से एनी वेसेंट भी इसी रूप में निकली थी। तो एनी वेसेंट और जो तिलक निकले, इन्होंने कहा कि अगर भारत को हमें आज़ादी दिलानी है, देखिए जितने भी यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं उनका एक ही उद्देश्य है, भारत को आज़ादी दिलाना। तो इन लोगों ने सोचा अगर हमें भारत को आज़ादी दिलानी है तो अब हमें मिल करके लड़ना पड़ेगा, अब हमें मिल करके लड़ना पड़ेगा, वरना ये हमको तोड़ देंगे। क्योंकि उधर प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, और ब्रिटेन ने अगर ऐसा सोच लिया कि भारत उनकी तरफ से लड़ रहा है तो ये बहुत ही हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा और हमको आकर के मिलना ही पड़ेगा। तो होता क्या है, 1916 में, 1916 में लखनऊ के पास, अच्छा इसको हम इरेज करते हैं, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। तो 1916 में होता क्या है, देखिए जो लखनऊ का पैक्ट था वो दो पार्टियों के बीच में हुआ था, लखनऊ पैक्ट दो पार्टियों के बीच में हुआ था। एक पार्टी में नरम दल और गरम दल थे, ठीक, नरम दल और गरम दल थे, और दूसरी पार्टी में इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपकी मुस्लिम लीग थी। अच्छा 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार नहीं, अंबिकाचरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, और लखनऊ में ये हुआ था। तो एक तरफ तो आकर के नरम दल और गरम दल मिल गए, आपको स्टोरी समझ में आ गई। तो किसकी सहायता से मिल गए, तिलक की सहायता से और एनी वेसेंट की सहायता से, एनी वेसेंट की सहायता से। अभी देखिए हमने ये वाला टॉपिक नहीं उठाया है, एनी वेसेंट की सहायता से जुड़ गए। और इसी बीच में देखिए हुआ क्या था, 1915 की अगर हम बात करें, 15 की बात करें, तो यहाँ पर नरम दल के दो बहुत ही गद्दावर नेता, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, और जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले,
उनकी भी हो चुकी थी मृत्यु। कब? 1915 में। तो आप समझ सकते हैं ना कि कांग्रेस की स्थिति कहीं ना कहीं ढीली होती चली जा रही थी, उसकी देश के प्रति जो पकड़ थी वो ढीली होती चली जा रही थी, क्योंकि इसके जो नेता थे, प्रमुख प्रमुख नेता थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और जो कांग्रेस ने सोचा था कि ब्रिटेन हमारा साथ देगा, ब्रिटेन हमको स्वशासन दे देगा अगर हम उसका साथ देंगे उसकी लड़ाई में, तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगने लगा था कि अंग्रेज ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो इसने सोचा कि यार हम अगर मिल जाते हैं तो हमारा फायदा होगा। और इधर से तिलक और एनी बेसेंट भी ये जान रहे थे कि हमको अगर स्वशासन चाहिए तो हमें एक एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। अब देखिए, ये तो बात हो गई, नरम दल और गरम दल एक तरफ से आकर के मिल गए। अब हम इनको मिलाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग कैसे मिलिया करके। देखिए अब होता क्या है, जब ब्रिटेन की तरफ से ये लोग लड़ रहे हैं, तो हमने क्या बताया, ब्रिटेन अलग था और तुर्की अलग था। ब्रिटेन अलग लड़ रहा था, तुर्की अलग लड़ रहा था, मतलब एक दूसरे के दोनों दुश्मन बन के लड़ रहे थे। अब देखिए होता क्या है, तुर्की में जो मुस्लिमों का एक धार्मिक ग्रह है भाई, वहां पर मक्का मदीना जो मुस्लिम भाई हैं उनका एक धार्मिक स्थान है फारस और अरब। तो यहाँ के जो मतलब मुख्य थे उनको क्या किया गया, ब्रिटेन के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया उनका। जब तख्ता पलट कर दिया गया तुर्की के राजा का, तो यहाँ पर मुस्लिमों के अंदर एक गुस्सा पैदा हो गया, मुस्लिमों के अंदर गुस्सा पैदा हो गया। तो वही जो मुस्लिम जो अंग्रेजों के चाटुकार बन रहे थे 1909 में, मार्लियामेंटो सुधार में अंग्रेजों के ये शुक्रगुजार बन गए थे, अब अंग्रेजों से और मुस्लिमों से हो गई लड़ाई। भाई क्यों ना लड़ाई हो जाए, अगर आप उनके धर्म के प्रति कुछ कहेंगे, जैसे कि किसी भी धर्म के प्रति अगर कुछ कहा जाए, कुछ गलत किया जाए, तो सामने वाला दुश्मन हो जाएगा जिसने उसके धर्म के प्रति उसको गलत सलत बोला है। तो अंग्रेजों ने जब ये कुकर्म कर दिया, ये कुकृत कर दिया, तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे या जितने भी मुसलमान भाई थे वो सब अंग्रेजों के दुश्मन हो गए कि इन्होंने हमारे जो मुख्य हैं, जो हमारे हेड हैं, जो कि तुर्की में बैठे हुए हैं, उनका इन्होंने तख्ता पलट कैसे कर दिया। तो आप ही समझिए कि अंग्रेजों से मुस्लिमों की क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अंग्रेज जो होते हैं मुसलमान भाइयों के बन जाते हैं बहुत बड़े दुश्मन। अब जब मुसलमान भाइयों के दुश्मन बन जाते हैं, तो इसे ही करते करते 1913 का जो समय आता है, इसी बीच में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जी की भी एंट्री हो चुकी होती है। तो इनको ऐसा लग रहा होता है कि अगर हमें स्वशासन चाहिए, अगर हमें देश को आज़ादी दिलानी है, अगर हमें मुक्त देश की परिकल्पना को मूर्त रूप देना है, तो हमें मिलना ही पड़ेगा, मिलना ही पड़ेगा। तो इसलिए होता क्या है, अब दोनों के दिमाग में ये बात चलने लगी कि मिलना ही पड़ेगा, नहीं मिले तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो होता क्या है, धीरे धीरे इन लोगों के बीच में सलाह मशवरा होता है, मिल बैठ के बात भी होती है। अब इसी के हम चलते हैं एक साल पीछे, 1915 में। 1915 में इधर से देखिए, अब जो हमने क्या बताया था, मुस्लिम लीग के भी अपने अपने अधिवेशन होते थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी अधिवेशन होते थे। तो मुस्लिम लीग का जो अगला अधिवेशन था ये भी कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ। ये भी कहाँ हुआ, बम्बई में। ये मान लो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये है, ये वाला बॉक्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, और बम्बई में ही किसी अन्य स्थान पर मुस्लिम लीग का भी अधिवेशन हुआ। अब देखिए स्थान एक ही है भाई, शहर एक ही है बम्बई बम्बई, लेकिन स्थान अलग अलग थे, पर उनके लोगों के बीच में आपस में कुछ मुलाकात हुई, कुछ मिली भगत हुई, कुछ मेल मिलाप हुआ, मतलब थोड़ा सा प्यार बढ़ा, थोड़ा सा प्यार बढ़ा देश के प्रति। और दोनों ने ये एक ट्रिटी की, एक संधि कर ली कि चलो हम लोग मिलते हैं और देश के लिए कुछ करते हैं, देश की लड़ाई में हम आगे आते हैं, क्योंकि अंग्रेज तो हमारा साथ देने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ संबंध होता है, लेकिन कुछ संबंध तभी होगा जब अपनी बातें आप कुछ मानोगे और मेरी बातें आप कुछ मानोगे, सिंपल सी बात है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा, पहले तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हम आपका साथ देंगे भारत को आज़ादी दिलाने में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि अगर मान लो कि मुस्लिम लीग हमसे आकर के मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है, अब हमारा जो खेमा होगा मजबूत हो जाएगा, अब हम अंग्रेजों से अच्छे से लड़ सकेंगे और अच्छे से फाइट कर सकेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा कि आप लोग भी हमारी कुछ बातें मानो, आप लोग भी हमारे कुछ प्रस्ताव मानो। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग ने जो भी प्रस्ताव
रखे वो माने गए और साथ में कुछ अलग प्रस्ताव भी थे, उन पर भी चर्चा की गई, उनको भी स्वीकृति प्रदान की गई। तो वो प्रस्ताव कौन कौन से थे उनको जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रस्ताव की बात की गई कि मुस्लिमों की जितनी भी जनसंख्या है उससे अधिक अनुपात में व्यवस्थापिका में उनको स्थान दिया जाए। मतलब अधिक अनुपात में, जनसंख्या से अधिक अनुपात में व्यवस्थापिका में स्थान प्रदान किया जाए। चलो, ये तो बात हो गई व्यवस्थापिका में स्थान प्रदान किया जाए। देखिए, ये इंटरनेशनल कांग्रेस ने अलग से बातें बता दी, स्थान प्रदान किया जाए, ये हो गई बात। इसके बाद दूसरी बात इंटरनेशनल कांग्रेस ने कही कि आप सांप्रदायिकता के आधार पर बात कर रहे हो, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हो, ठीक है, हमने आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को भी यहाँ पर क्या किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि यही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो 1909 से ये लोग उसकी मांग कर रहे थे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की भी को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, जो कि वो लोग 1909 से इसकी मांग कर रहे थे, माले मिंटो सुधार से इसकी मांग कर रहे थे। तो अंत में जा करके आखिर में इंटरनेशनल कांग्रेस ने कि कहा, चलो ठीक है, हम आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी प्रदान करते हैं। तीसरी बात इन्होंने क्या कही, तीसरी बात जो इन्होंने कही वो इनको वीटो पावर भी दे दिया। अब वीटो पावर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, वीटो पावर भी प्रदान कर दिया गया मुस्लिम लीग को। वीटो पावर के अधीन ये बात थी कि जैसे कि अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कोई कानून आता है तो आप वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस कानून को रोक सकते हैं, आपको ये अधिकार है।